अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो जावा में बनाई थी। जावा जो है पट्टे निकले हुए थे और मैंने आपको दिखाया था कि किस केज में मैंने जो है बंद किए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारे सेल हो गए। और ये जो है फ़ोन जावा के दो पट्टे जो मैंने खुद ख़रीदे थे, ये वो वाले मेल फीमेल कन्फर्म में, ये अभी 4.5-5 महीने के हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो है इनकी ब्रीड जब आना स्टार्ट होगी नेक्स्ट सीज़न में ही होगा, तो फिर मैं आपको इनका दिखाऊंगा। ठीक, ये वो फिर यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ। और अब जो है जावा का सेकंड क्लच शुरू हो चुका है, उनके बच्चे आना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले क्लच वाले जो बच्चे निकले थे जितने भी, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेल हो चुके। ठीक है, और आज की वीडियो जो है वो लवबर्ड से रिलेटेड है। लवबर्ड के मैंने जो है पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे पास जो है पिछले सीज़न में जो है वो कम ही पेयर थे, दो पेयर थे ऑलमोस्ट, और उनकी ब्रीड वगैरह आई थी। फिर उसके बाद जो है जो घर के पट्टे निकले, फिर मैंने बाहर से कुछ बाय किए, फिर नए जोड़े बनाए। तो इस दफ़ा इस सीज़न में मेरे पास जो है 5 जोड़े हैं। 5-6 जोड़ों की प्रोग्रेस वगैरह जो है मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। कुछ के बच्चे निकले हैं, कुछ के जो है अभी अंडे आए हैं और कुछ अंडे देने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 5 जोड़े हैं, सारे अल्बाइनो अल्बाइनो सब में हैं, और थोड़ा बहुत जो है पेयरिंग का फ़र्क है। तो टाइम जो है ज़ाया नहीं करते, देन जो है मैं शुरू करता हूँ। पहला जो है ये वाला केज है, इसमें जो है ये फर्स्ट पेयर है। इधर जो पेयर लगा हुआ है वो अल्बाइनो रेड आइज का मेल है, और ब्लू फिशरी स्प्लेटिनो जो मैंने फीमेल ली थी उसका वो फीमेल है इसमें। और उन जोड़े का ये है कि वो पिछली दफ़ा जब उसने जो है एक और फिशर के साथ मेल के साथ पेयर लग गया था, फिर उसके अंडे फर्टाइल नहीं हुए, पिछला सीज़न उसका ज़ाया ही गया। इसमें जो फीमेल है वो उसका मतलब ये दूसरा साल है, अब उसका दूसरा साल हो चुका है, और मेल इसके साथ यंग ही लगा हुआ है, उसकी जो है पहली ब्रीड है। फीमेल ने अंडे दिए थे लेकिन बच्चे वगैरह नहीं निकले, तो उस फीमेल की भी ये पहली ही ब्रीड है। ठीक है, और इन्होंने जो है 4 अंडे दिए हैं इस दफ़ा। 4 अंडों में से जो है 3 बच्चे निकले, 2 बच्चे ब्लू फिशरी स्प्लेटिनो निकले और 1 बच्चा अल्बाइनो रेड आइज निकला, जो कि 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और 1 बच्चा ही जो है ये अब उनको उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको फीड वगैरह करवा रहे हैं और वो जो है बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें कुछ इस तरह से नेस्ट बनाया है इन्होंने, और इस तरह का जो है इसका ये देखें। ठीक हो गया, तो ये जो है ये पेयर है, और इनका 1 बच्चा निकला है वो अब ऊपर बैठी हुई है। और ये फीमेल जो है काफ़ी अग्रेसिव है, गुस्से वाली है, तो जो है इसके बच्चे दिखाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। देन जो है मैं आपको जब ये बाहर होंगे मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। इनका जो 1 बच्चा निकला है वो ब्लू फिशर है। ठीक है, और इस जोड़े में एक ये चीज़ होती है, जब मतलब आपकी अब ब्लू फिशर है ना, अगर ये अब स्प्लेटिनो है तभी इसके बीच में से अल्बाइनो रेड आइज भी निकला था। अगर ये सिंपल ब्लू फिशर होती और अल्बाइनो रेड आइज की से लगती तो सारे बच्चे जो है वो ब्लू फिशर ही होते, लेकिन जब अल्बाइनो रेड आइज साथ लगा हुआ है तो उन्होंने खुद ही जो है स्प्लेटिनो हो जाना था। तो अब जो इनका 1 बच्चा है वो ये खुद स्प्लेटिनो है और ये साथ में मेल है, उस वजह से भी स्प्लेटिनो है। लेकिन अगर जो है ये जो है अगर ये ना होता, मतलब इस जो है अगर खुद इनो ना होती, सिर्फ जो है फिशर ही होती, तो भी जो है इसके बच्चे जो है स्प्लेटिनो होने थे। तो ये जो है घर का मेल पट्टा जो मैंने लगाया है और ये पेयर खुद ही बन गया था, देन जो है इन्होंने जो है ब्रीड करना स्टार्ट किया है। ठीक, तो इसको जो है अंदर करते हैं, इस बॉक्स को बंद करते हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया ये वाला पेयर, सही। अच्छा, तो दूसरा जो है दूसरा पेयर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा पेयर जो है इस तरफ है, ये जो है इधर भी अल्बाइनो रेड आइज का मेल है, ये भी घर का ही पट्टा मैंने रखा है, ये देखें घर का पट्टा है ये, और इसके साथ जो है ये दोनों भाई हैं, ये वाला मेल और ये वाला मेल भाई हैं। ठीक है, लेकिन क्लच अलग अलग हैं, वो पहले क्लच में पैदा हुआ था, ये सेकेंड या थर्ड क्लच था उसमें था। और ये जो है सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर में मैंने जो है बाहर से एक फीमेल ख़रीदी थी पेस्टल इनो की, सही है, पार ब्लू पेस्टल इनो की फ़ीमेल ख़रीदी थी 20,000 रुपये की, और ये वज़ीराबाद से मैंने कार्गो करवाई थी, और इसी सीज़न में मैंने ली थी। ये ब्रीडर फीमेल थी, उनके पास भी पहले ब्रीड कर चुकी है। इस दफ़ा जो उन्होंने जो है ब्लू 2 की वर्किंग के लिए इसको यूज़ किया था। ये फीमेल का जो है इसी ये फीमेल का भी दूसरा साल है इस दफ़ा ब्रीड का, और जो है अब मैंने इसको जो है अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाया, तो इसमें से जो है बच्चे जो है क्रीमिनो भी आएंगे, अल्बाइनो रेड आइज भी आएंगे,
पेस्टलिनो भी आएंगे, और क्या क्या आता है वो जब बच्चे निकलेंगे तो ही पता चलेगा। अभी जो है मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा भी इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ तो ये देखिए, पहला अंडा इसने जो है 12 तारीख को दिया है, 12 दिसंबर को, फिर इसने 14 को दिया है, फिर 16 को दिया है, फिर 18 को दिया है, और फिर 20 को, फिर 22 को। अब जो इसने 6 अंडे, इसने इतने, सातवां अंडा मैंने लिखा नहीं, ये 7 अंडे दे चुकी है, और सातवां अंडा जो है इसका 24 को आज इसने दिया है, ठीक है। तो मैं भी शायद 7 ही अंडे देगी, इससे ज़्यादा भी देती है, तो ये चीज़ ठीक है। सेकंड पेयर ये वाला है, और कई लोगों को यहाँ पे ये तारे नज़र आ रही होंगी, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है सोलर वाला सिस्टम है, तो इससे करंट वगैरह नहीं लगता, ठीक है। अगर इसको कोई बर्ड वगैरह, कोई तोता जो है, कोई लव बर्ड जो है, मुंह में चबाता भी है या कुछ करता है, तो उससे करंट नहीं लगेगा क्योंकि ये सोलर का वो है, ठीक। तो ये जो है कोई इशू नहीं है, क्योंकि मोता ने कई लोग जो है कमेंट करके फिर कहते हैं, मैंने देखा है, तो वो के जो है कि करंट लग सकता है, ऐसे हो सकता है, तो वो इशू नहीं है, इससे करंट नहीं लगता, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने हीटिंग वाले बल्ब लगाए हैं, ये सोलर पर चल रहे हैं, मतलब बैटरी से चल रहे हैं, ठीक। रात के टाइम दिन को ये सोलर पर डायरेक्ट प्लेटों से चलते हैं, और रात को जो है ये उधर देखें जावा की तरफ भी लगे हैं 3 बल्ब, इधर डब के पास एक लगा है जिसको हीट चाहिए होती है उधर। तो मतलब उस तरह जो है कमरे का टेम्परेचर जो है बाहर की नस्बत काफ़ी अच्छा है, बाहर काफ़ी ठंड है। टेम्परेचर देखें, ह्यूमिडिटी देखें, ह्यूमिडिटी हुई हुई है 82, और सब के बच्चे जो है सही से हैच हो रहे हैं। तो मतलब यही कहते हैं कि 50 से 70 या 80 इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फिर ना हो, 90 100 हो, इतनी ह्यूमिडिटी इतनी ना हो। और टेम्परेचर जो है वैसे तो ब्रीडिंग टेम्परेचर 25-26 होता है, लेकिन जो है यहाँ पे कम है। लेकिन जो है लबर्ड्स हैं, ग्रोमो हैं, डायमंड डव हैं और जावा है, तो इनके लिए बेहतर है, मतलब इनको सर्दी फील नहीं हो रही हो, ये जो है सब जो है अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ पेस्टल इनो की फीमेल, ये देखें पेस्टल इनो की फीमेल है ये, पेस्टलिनो की फीमेल है ये जो मैंने खरीदी थी। इसने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 अंडे दे चुकी है, ये 7वां अंडा इसने आज दिया है, और इसके जो है सारे ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह अंडे जो है फर्टाइल, मतलब मैंने जो चेक चेक किए थे जब, तो तब 3 अंडे इसके फर्टाइल हो चुके थे, अब बाकी के जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहे होंगे, देन फिर किसी वीडियो में चेक करके मैं आपको बता दूंगा क्या। तो इसमें से क्रिमिनो भी आना है, पेस्टलिनो भी आना है, अल्बिनो रेड आइज भी आना है, देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आता है। तो इसने जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ये देखें ये फीमेल है, ठीक हो गया। तो ये पार ब्लू पेस्टलिनो की फीमेल है, अच्छा। तो इस तरफ आ जाएं, ये जो है अल्बिनो रेड आइज का पेयर है, ये देखें, ये जो है लाहौर से मैंने मेल बाय किया था, और फीमेल जो है घर की पट्टी है, यानी कि इस तरफ जो मेल लगी हुई है उनकी बहन है, इन दोनों मेल की बहन है ये, ठीक है। तो ये फीमेल जो है इसकी फर्स्ट ब्रीड है, और मेल जो है पिछली दफ़ा जो डैकिनो के साथ मेरा जो मेल लगा हुआ था ये वही वाला मेल है, ये ब्रीडर था पहले, फीमेल की फर्स्ट टाइम ब्रीड है। इसने इधर अंडे दिए हैं, ये देखें इसने, और इन्होंने इकट्ठे अंडे देना स्टार्ट किए हैं। इसने जो है 12 दिसंबर को दिया है, फिर 14 16 18, भी इसने 5 ही अंडे दिए हैं, 5 से ज़्यादा फिर इसने नहीं दिए। और जो है अब जो है ये अंडों पे बैठ रही है, अभी बाहर आ गई है, और ये देखिए नेस्टिंग जो है इन्होंने इतनी अच्छी की। और इस दफ़ा नेस्टिंग जो है मैंने सबको ही, जावा को, लबर्ड्स को जो है मैंने मूंज खरीद कर वो ही दिए। पहले यहाँ पे मैं खबी ला के डालता था, तो उससे वो इतना अच्छा जो है मुझे, मतलब उसका रिजल्ट नहीं लगा। तो ये सिर्फ काफ़ी अच्छा का घोंसला बन जाता है, और मतलब काफ़ी शौक से ये नस्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये देखें इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं, तो इसने 5 अंडे दिए हैं। और यहाँ पे जो है इसके भी मैंने कैंडलिंग करके जब इसकी चेक की थी, तो इसके भी जो है अंडे फर्टाइल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और मैंने इसका एक ही अंडा चेक किया था लेकिन फर्टाइल होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो एक पेयर जो है ये वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी अच्छा पेयर है, लेकिन ये कोई भी आपस में बहन भाई नहीं है, सब अलग अलग हैं। पहले मेरा एक पेयर था ये वाला, और इसके साथ मैं एक लास्ट पेयर है वो दिखाता हूँ। ये दोनों घर की पट्टे थे, इसमें जो फीमेल है, और ये वाला जो पेस्टलिनो के साथ मेल लगा हुआ, ये दोनों बहन भाई थे, ठीक है। और ये जो है फिर इन पेयर को तोड़ के मैंने इसके साथ पेस्टलिनो लगाई, और उसके साथ मैंने अलग एक लाहौर से एक और ब्लैक आइस प्लेटिनो का मेल बाय किया था, वो मैं पेयर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे साइज़ का मेल है, और बड़ा मेल है, फीमेल से ज़्यादा बड़ा लगता है, ठीक।
वो मैंने इसके साथ लगाया है, वो भी नेस्टिंग कर रहे हैं। उससे पहले जो है ये जो मेरा ब्रीडर पेयर है जो कि पिछले साल का पिछली दफ़ा भी उसने जितने जो बच्चे लगे हुए मेरे पास वो इसके बच्चे हैं, ये मेल हैं और इसकी फीमेल जो है वो अंदर है, इन्होंने अंडे दिए हैं इस दफ़ा और जो है बच्चे वगैरह। ये वाली फ़ीमेल है और ये देखें इसने जो है बच्चे निकाले हैं, ये जो है इनके तीन बच्चे निकले थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया और तीन दो जो है बड़े हो रहे हैं। चार अंडे इसने दिए थे, इसने इतने ज़्यादा अंडे नहीं दिए पता नहीं क्यों, इस वजह से पिछली दफ़ा पाँच या सात इस तरह देती रही है, इस दफ़ा जो है इसका ये रिज़ल्ट इस तरह जो है इसने किया है। ठीक है, तो ये अल्बाइनो रेड है इसके बच्चे और ये जो है वो पेयर है, तो ये फीमेल भी काफ़ी अच्छी है और अच्छे से बच्चे पालती है, ये पेयर भी काफ़ी अच्छा है। अब ये इनका फर्स्ट क्लास था, असल में अबू फोत हुए थे उसकी वजह से मैंने जो है बर्ड्स को काफ़ी लेट जो है ब्रीड पे लगाया था, तो जिसकी वजह से जो है इनकी काफ़ी लेट ब्रीड आई। ठीक, और दूसरा जो है ये जो बल्ब लगे हुए हैं इधर, ये देखें ये जो है होल्डर लगे हुए हैं जो ख़राब हो जाता है, यहाँ से निकल के फिर नया बल्ब लग जाता है, तो ये चीज़ अच्छा। तो ये लास्ट वाला पेयर है, ये देख लें ये मेल है और ये वाला पेयर भी जो है इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा। इसकी भी नेस्टिंग कर ली है कम्प्लीट, अभी नेस्टिंग कर रही है फीमेल और लोडेड नहीं हुई अभी, लेकिन जो है बॉक्स में जा रही होती है और इंशाल्लाह जल्दी जो है ये ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें ये मेल है ब्लैक आइज़ वाला और वो फीमेल है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन